गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे तो मैं इतनी सुबह सुबह कभी उठता नहीं हूँ, लेकिन आज थोड़ा काम है इसलिए 5 बजे उठ गया। और अपनी तो आदत है रात को लेट सोने की, तो नींद थोड़ी कम हुई है। इसके चक्कर में जो सर है वो दुख रहा है, और आप देख सकते हो पीछे मेरे जो डेकोरेशन हुआ हुआ है वो कल हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था उसके वजह से। और सर इतना फट रहा है कि सोच रहा हूँ चाय या कॉफ़ी कुछ बना लो। वैसे मैं चाय और कॉफ़ी थोड़ा कम ही प्रीफर करता हूँ, और चाय तो बहुत ही, मैंने एक्चुअली 1-1.5 साल पहले चाय पीना थोड़ा कम कर दिया था, बहुत कम कर दिया था, तो अभी कॉफ़ी ही पीना है। और सोच रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँ, क्योंकि दूध की कॉफ़ी में मेहनत थोड़ी ज़्यादा है। मुझे पता है आप लोग में से बहुत जन सोच रहे होंगे इतना दिन हो गया और मेरे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आया, उसके लिए सॉरी। लेकिन एक मतलब जो टाइम था, मेरा मेंटल पीस भी जो इंटरनेट पे चल रहा है वो सब देख के मेरा मेंटल पीस जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, और थोड़ा बिजी भी था ये महीना काम के चक्कर में। और मैंने एक वीडियो एक्चुअली में शूट किया था, पूरा वीडियो शूट किया था मम्मी के वैक्सीनेशन के टाइम पे, लेकिन उस पूरे वीडियो में से आधे में आवाज़ आई और आधा वीडियो जो था बिना आवाज़ के गूंगा था। तो अभी अपने पास आधा एक घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा है, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठ गए थे, थोड़ा ज़्यादा ही उम्मीद से जल्दी उठ गए थे। और हमने इस लॉकडाउन में, मैंने इस लॉकडाउन में एक नई आदत डालने की कोशिश किया, वो है बुक रीडिंग। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था बुक रीडिंग की आदत डालने के लिए, और ये बुक जो है द 40 रूल्स ऑफ लव, मैंने अपने एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन से लिया था। वो एक इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे, उसका जो लिंक है चैनल का वो मैं नीचे डाल दूंगा। तो अभी ये बुक पढ़ते हैं, उसके बाद आज का दिन जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बुक पढ़ते पढ़ते कैसे टाइम निकल जाता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अभी बज रहे 7:30, और कल जो है मैंने वैक्सीनेशन के लिए अपनी बुकिंग करवा ली थी। और कहीं मैंने सही पढ़ा है कि जो वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग कराना मतलब किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से कम नहीं है। एक्चुअली इतना टफ कंपटीशन है इधर। मैंने कल दोपहर 12 बजे से चालू किया था, 1:30-2 बजे के आसपास स्लॉट्स आया, और हर एक मिनट में रिफ़्रेश करने के बाद में 8 से 10 स्लॉट्स में ट्राई करने के बाद में फाइनली जाके एक स्लॉट में लगा, वो भी मेरे घर से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। तो थोड़ा जल्दी निकलना होगा, और अभी निकलेंगे तो जाम भी नहीं मिलेगा रास्ते में, तो फटाफट रेडी हो जाते हैं और उसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अपना भी निकलने का टाइम जो है वो हो चुका है, अभी बज गए 8। अगर आपको भी वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाना है तो कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट से करवा सकते हो, या फिर आरोग्य सेतु ऐप से, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। मतलब आपके लिए काम सिंपल करना मेरा काम है, जब आपका भाई आपके साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। बहुत अच्छा राइम हो गया ये तो, वाओ। सो सब्सक्राइब भी कर दो, आपका भाई इतनी मदद करता है आपकी, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। तो फिर चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर डायरेक्ट मिलते हैं आपसे वैक्सीनेशन सेंटर पे। तो आई जस्ट रीच द वैक्सीनेशन सेंटर, और लाइन जो है थोड़ी सी लंबी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, पहले जल्द से जल्द अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेते, अपना नाम लिखवा लेते हैं। तो वैक्सीन का जब तो लग चुका है, लेकिन उन्होंने आधा घंटा यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बोला, और ऊपर से जो मेरा सर्टिफिकेट है उसका भी मैसेज अभी तक नहीं आया। मैंने साइट में भी चेक किया, अभी तक आया नहीं है। तो जैसे ही वो आता है और 10-15 मिनट यहाँ पर बैठ के निकलते हैं घर, अभी तक तो ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा। और मेरे हिसाब से एक कल या परसों तक जो है थोड़ा फीवर या कुछ हो सकता है, लेकिन वो भी हर किसी में नहीं होता। और हाँ, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि दे आर कन्फ्यूज, उनको कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, और अभी पी फाइजर बोल के जो इंडिया में एक नई वैक्सीन आएगी वो लेनी है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा कि जितना मैंने रिसर्च किया इंटरनेट पर, जितना मैंने देखा है, रिसर्च मटेरियल्स पढ़े, डॉक्टर्स की बात सुनी है, तो उनके हिसाब से आपको जो वैक्सीन मिलती है, वैसे तो आपका चॉइस है नहीं, जो वैक्सीन मिलती है वो ले लो।
तो यहाँ से अब निकलने का टाइम हो गया है, क्योंकि इन्होंने बोला जो सर्टिफिकेट का मैसेज है वो शाम तक आएगा, तो यहाँ पे रुकने का कोई मोटिव है नहीं। आधा घंटा हो चुका है और बहुत प्यास लग रही है, कहीं रुक के पानी लेना है। और यहाँ से निकल के शायद ऑफिस जाऊँगा, तो फिर ऐसे कुछ ज़्यादा ब्लॉग करने के लिए कुछ है नहीं वैसे। तो यहीं पर आज का जो ब्लॉग है यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, और आज एडिटिंग भी करनी है शाम तक, तो फिर सोच रहा हूँ आज ही अपलोड कर दूँगा। तो आज नहीं होगा तो कल करेंगे मॉर्निंग में। तो ये जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर और गेट वैक्सीनेटेड।